झारखंड सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों, आदिवासियों और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और राज्य के समग्र विकास को गति देगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत सीमा को बढ़ाकर 2,00,000 रुपए करने और राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 5,00,000 अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने की घोषणा की है। इस साल के जो नई घोषणाएं हैं उस पर शुरू करता हूं। पहला कृषि विभाग का, आप जानते हैं कि पहले हम लोग 50,000 तक का ऋण माफ किए थे, तो इस बार हम लोग 50,000 से ऊपर 2,00,000 तक का ऋण माफी की योजना पर काम करेंगे। ग्रामीण विकास में दूसरा घोषणा है, ग्रामीण विकास में अबू आवास का, आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, पहले 3 वर्षों में 8,00,000 का लक्ष्य था, 2,00,000 रुपए प्रति घर हम लोग दे रहे थे, लेकिन वर्तमान मंत्री ने इसको कहा कि 5 साल में हम पूरा करेंगे और मकान बनाने का लक्ष्य हो जाएगा 20,00,000। तो अबुआ आवास 20,00,000 मकान बनेंगे अबुआ आवास के योजना के अंतर्गत, खर्च वही रहेगा 2,00,000 का। पंचायती राज विभाग में नई योजना हम लोग ला रहे हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय 12 वर्षों के बाद इस सरकार में बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है। सामाजिक सुरक्षा में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, आपको पहले से जानते हैं, नया चीज यही हुआ है, आप जानते हैं उसमें भी, पहले जो सर्वजन योजना के तहत उम्र सीमा 60 और 60 से ऊपर वाले की थी, उसमें एक्सेप्शन करते हुए हम लोगों ने ST SC और महिला वर्ग को के लिए उम्र सीमा 50 साल रखे। इससे टारगेट हमारा लगभग दोगुना होने जा रहा है, 20-21 लाख सर्वजन पेंशन मिलता था, वो पहुंच बढ़ करके 39-40 लाख हो जाएगा, इतने लोग लाभान्वित इससे होंगे। महिला एवं बाल विकास में 2025 में 2,500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराएगी सरकार, जहां पहले से भवन नहीं था, चलाए जाते थे आंगनबाड़ी केंद्र, वहां पर मकान बनेगा 24-25 के वित्तीय वर्ष में। स्कूली शिक्षा, राज्य सरकार द्वारा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र 24-25 से आरंभ करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा सभी 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 24-25 में प्रारंभ करने की योजना प्रकार किया जा रहा है। साथ ही 4,036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में उसी तरह तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं का नामांकन में सुधार करने का उद्देश्य राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की है, जिसमें डिप्लोमा स्तर पर 15,000 प्रतिवर्ष एवं डिग्री स्तर पर 30,000 प्रतिवर्ष की सहायता वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रीन कार्ड जो हम लोग देते हैं उनकी संख्या 20,00,000 थी, इस वित्तीय वर्ष में 5,00,000 बढ़ाकर उसको 25,00,000 किया जा रहा है। डीलर कमीशन की राशि 100 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 150 रूपये प्रति क्विंटल किया जा रहा है, उनकी मांग थी पुरानी, तो वित्तीय स्थिति के अंतर्गत जो स्थिति है सरकार की, हम 100 रूपये से 150 रूपये प्रति क्विंटल उनको देने जा रहे हैं। पहले हम खिलाया, जैसे हम बोलते रहे हैं कि पुरानी सरकारें, पहले की सरकारें लोगों को, गरीब लोगों को, कार्डधारियों को माड़ भात खिलाती थी, कि सरकार ने शुरू किया दाल देना, अब वो खाते हैं दाल भात। 24-25 में हम फिर उनको सब्जी भी देने जा रहे हैं सोयाबीन के रूप में, तब हमारे कार्डधारी गरीब लोग दाल खाएंगे, भात खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे, ये हम आप शुरू करने जा रहे हैं सब्जी का भी। पथ निर्माण में कोर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नए पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिनका उन्नयन न्यूनतम इंटरमीडिएट लेन कॉन्फ़िगरेशन के रूप में किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एवं इम्पोर्टेंट कॉरिडोर का निर्माण तथा रांची शहर के लिए इनर रिंग रोड एवं अन्य आर्टेरियल फीडर पथों का निर्माण का लक्ष्य है। ऊर्जा विभाग द्वारा अभी तक हम लोग 100 यूनिट माफी किए हुए थे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 100 नहीं, इसको बढ़ाकर 125 यूनिट किया जाए, तो
प्रस्तावित है इस 24-25 के वित्तीय वर्ष में कि हम 125 यूनिट माफ करेंगे गरीबों का अगर जो बिजली जलाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में और पतरातू में 4000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। और अंत में करना चाहूंगा, आप गवाह हैं कि फिजूल खर्ची 4 साल में कभी नहीं कहीं नहीं हुई। ये भी कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है, सबसे बड़ा नमूना। पैसा हमारे पास है लेकिन व्यर्थ का खर्च नहीं करते, लोगों पर खर्चा करते हैं, कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम